आज के दिन को ब्लॉग करने का वैसे कुछ इरादा नहीं था, पर फिर मैंने सोचा जब आप सबसे कम सोचते हैं उस टाइम पे अगर मैं एक कुछ शूट करके दिखाऊं, सबसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कंटेंट वही निकल सकता है। आज मैंने सोचा कि मैंने इट्स अ वेरी बिग मैनेजमेंट वाला दिन, आज मैं शूट कर रही हूँ घर पे फोटोशूट, बच्चे भी हैं, पूरा थोड़ा सा घर का एक पोर्शन ब्लॉक रखा जाएगा तो वो भी आप लोग को दिखेगा, घर में नॉन स्टॉप क्रॉसओवर होते रहेगा एंड जो भी होगा आई थिंक क्योंकि मुझे मोस्टली पता है तो मैं पूरा चीज वैसे के वैसे रिकॉर्ड करूँगी। अभी टाइम है सुबह के 9 बजे, मैं बस फ्रेश ही हुई हूँ, आज कोई वर्कआउट करने नहीं गई मैं अभी तक, शाम को है मेरा टेनिस क्लास। ऑफ दिस इज माई एब्सोल्यूटली क्लियर स्किन, इस पे मैं करने बैठूंगी मेकअप हेयर। और चलिए एक्चुअली मिला देती हूँ क्यों मैं आज का दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो याद है जब लियाना का बर्थडे था तो उस दौरान देयर वाज दिस मेकअप गाय हु केम फ्रॉम दिल्ली, जिन्होंने मेरा मेकअप किया था, तो वो इंसिडेंटली बॉम्बे वापस घूमने आए थे और उन्होंने बोला दैट इफ आई वांट टू डू अ मेकअप इफ आई हैव सम इवेंट, तो मैंने सोचा कि इतना अच्छा मेकअप आर्टिस्ट आए हैं तो क्यों ना एक फोटोशूट करके रखा जाए, बिकॉज देर आर सम थिंग्स कमिंग अप, तो उसके लिए एक सर्टन लुक मैंने सोच के रखा है। तो उस लुक पे हम लोग दो या तीन मैक्सिमम फोटोशूट करेंगे, क्विक क्विक ही होगा, बट मुश्किल ये है कि घर पे करेंगे, तो किस तरीके से कैसे मैनेज करती हूँ, कौन से बच्चे को कौन से खेल में डाल के, कौन से को किस टाइम पे सुला के खिला के, मतलब हाउ द होल थिंग मैनेजेस, लेट्स जस्ट सी इट। अभी तो चलिए मिलने चलते हैं, सब लोग आ चुके हैं। बोलो कहाँ है, किसको लगा कचरा लगा? हेलो, अंदर ही छोड़ के। सो दैट इज भूवी, ही हैज कम आज एकदम पूरा पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के लुक में। सबसे मजेदार बात ये है कि मुझे, मैंने उनको देख के बोला वाओ हाउ डिफरेंट, मेरे बच्चों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, उन लोगों के लिए सब नॉर्मल है। तो सुबह सुबह की बात है, ये लोग तेल वेल लगा के घूमते हैं, तेल लगा के आधा घंटा मैं घर में घुमाती हूँ ताकि उसके बाद नहाने से जुकाम नहीं हो जाता, तेल बॉडी में घुसने का टाइम मिलता है। नहीं, मानता। क्या करोगी दिविशा गोदी, वाई मम्मा तो बैठने जा रही है, चलो चलो बैठने जाते हैं। क्या हुआ, तुमको भी बैठना है? आ रही हूँ, आ जाओ। हाँ ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। जल्दी से बैठ जाती हूँ। ऐसा मुझे डॉक्टर ने बोला है कि जब भी दोनों बच्चे गोदी चढ़ने चढ़ जाए ऐसा कुछ, अब खुद बैठ जाओ, नहीं तो मुझे इस दिन बैक में इतना जोर से पेन हुआ, मुझे डर हुआ कि मुझे स्लिप डिस्क ना हो गया हो, एंड आई डोंट इवन वांट टू गो दैट वे, आई एम प्रीटी मच अ किट किट पर्सन। देखो मैं बैठती हूँ, उन लोगों को इंटरेस्ट चला गया। मिरेकल मिरेकल मिरेकल, अभी मेरे पास नहीं रहना, मेरे गोदी में चढ़ के घूमना इज देयर टाइम पास। तुम भी अभी उतर रहे हो? हाँ हाँ, देखो देखो लिया ना, दिस इज हाउ शी इज डूइंग, यू डू इट टू। चढ़ जाओ दिविशु, चढ़ो। आई चढ़ जाओ दिविशा, आई डो Wow, who is doing it so well? Both of you are doing it so well. Dum dum karke giro mat, us pe khade raho. Liana, dum dum karke mat giro, us pe khade raho.
दम दम करके गिर जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा फोटोशूट का बैकड्रॉप लग रहा है घर के अंदर। लेकिन एक सेकंड। अरे मेरा कॉफी मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। तो लियाना का भी क्लास है, कुछ एक डांस क्लास में जाएगी, मतलब अपरेंटली इट्स अ डांस क्लास। देखिए कितने गुंडे हो चुके हैं कहाँ पे। व्हाट इज दिस, तुम्हारा स्टेज? अच्छा अभी गाना चाहिए, क्या हुआ? 1 2 3 4 get on the dance floor, booty shake nana। और यही गाना चाहिए? नहीं ये गाना नहीं चाहिए। कौन सा गाना, तुमको नींद में लगा? अच्छा ओ नींद में लग गया तुमको। कौन सा एस नींद में भी लगा? अच्छा नहीं उतर जाओ लियाना, उतरो उतरो, यू कैन गेट डाउन। सुलियाना जाएगी डांस क्लास, मैं दिविशा को नहीं भेज रही हूँ बिकॉज दिविशा कर नहीं पाती है तो घूमती रहती है क्लास में, और लियाना दिविशा को देख के सोचती है कि दिस इज व्हाट शुड बी डन, और वो भी घूमती है तो वो घूम सकते तो मैं क्यों नहीं। तो इसीलिए आजकल हम दिविशा को नहीं भेज रहे हैं किसी क्लास में। लियाना इज गोइंग एंड शी इज डूइंग इट सो वेल। तो एक दिन सोलो लियाना के डांस क्लास में हम जाएंगे और दिखाएंगे कि हाउ वेल शी डज। लेकिन ऐसे ये सब तो चलता ही रहेगा, मैं चलती हूँ मेकअप कर। तो आज मेरी फ्रेंड का के बेटे का बर्थडे है, तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम जब लियाना दिविशा अकेले जाएगी, अकेले इन द सेंस किसी और के साथ मैं नहीं जाऊँगी। आज तक लियाना दिविशा जितने भी बर्थडे पे गए हैं मैं पर्सनली गई हूँ, पर आज सोच रही हूँ दिन में ही बर्थडे घर के बाजू में है और आज मैं रियली बिजी हूँ, तो मैं थोड़ी देर के लिए उन लोगों को बर्थडे पे भेज दूंगी। बर्थडे पे उन लोगों ने क्या किया वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी जरूर। चलो
एल देबीना का फोटोशूट हो रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं हूँ जिविता हूँ, ये भूवी है आर मेकअप आर्टिस्ट, ये आमिर हमारा ऑल टाइम एवरी बार फोटोग्राफर वीडियोग्राफर, और दैट्स आर मॉडल ऑफ द डे, वो कोई नहीं और जुबेदा हमारी हेयर वाली दीदी, और वो मेरा एवोकाडो है जो मेरा ब्रेकफास्ट पड़ा हुआ है बहुत देर से, एंड हम अभी फोटोशूट कर रहे हैं, हमारी पार्टी चल रही है यहाँ पे और हमारी पार्टी हो रही है, हमारी फोटोशूट चल रही है, सो दिस फोटोशूट इज एक्चुअली हैपनिंग, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू देबीना, इट्स गोइंग टू कम अप, दैट इज पॉडकास्ट, सो वी आर ऑन इट गाइस, आप लोग के लिए बहुत कुछ एंटरटेनिंग चीजें, शी एज अ मॉमी इन्फ्लुएंसर एंड एज अ एक्टर एंड एज एन इन्फ्लुएंसर इंडिविजुअल इज गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हर फैंस ओनली, सो कीप वॉचिंग. Every time I look into the mirror, I say thank you God. You did a damn good job. Or actually, we should always be thankful to God. अभी भी बहुत सारे इंटरेस्ट लूज करने बाकी है, सो दिस इज आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि हार्डवर्क का अभी भी बहुत, मतलब मेरा जो डेस्टिनेशन है थोड़ा दूर है, तो उसके लिए और मेहनत की जरूरत है, बट इट्स ओके एज लॉन्ग एज देयर इज प्रोग्रेस, इट्स ओके, यू आर डूइंग गुड. तो ये मेरा नेक्स्ट चेंज है, और एक क्या कब मैंने खरीदा था, आई थिंक जिस दिन लियाना का एनुअल डे था उसके एक दो दिन पहले मैंने खरीदा था, बिकॉज उस टाइम पे लियाना को यू नो ऑडिटोरियम में डाल के हम लोग रास्ते में घूम रहे थे, तो मैंने सोचा क्या करूँ, शॉपिंग करूँ, ये किया. उस टाइम पे ये काफ़ी टाइट सा था और मुश्किल से फिट हुआ, मैंने अपने आप को ये बोल के खरीदा कि मैं इसमें एक दिन बहुत कंफर्टेबली फिट हो जाऊंगी और बहुत अमेजिंग लगूंगी. तो आई थिंक इन टू मंथ्स टाइम ये दिन आ गया है, आई एम वेयरिंग दिस एंड I'm feeling so good. जो उस टाइम पर मतलब बड़ी मुश्किल से एकदम करके मैंने लगाया था, अब ये इतना कम्फर्टेबल है एंड आई एम फीलिंग सो कॉन्फिडेंट दैट जिस डायरेक्शन में जा रही हूँ आई एम डूइंग गुड, और इसी बात पर फोटोशूट डॉग्स देखने, तो मैंने टेबल नहीं देखा और थाई में आके टेबल लगा और ये हो गया ब्लू. मैं एकदम नॉर्मल दिखाती थी तो तब मैं ऐसे बड़े बड़े कपड़े खरीदे थे, और ये उस दौरान के कपड़े हैं, या तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ या जब ओवरसाइज्ड कपड़ों का फिर से समय आएगा तब मैं इन लोगों को पहनूंगी, क्योंकि यू नो स्टाइल कीप्स कमिंग बैक ना, जैसे अभी भी कुछ कपड़े मेरे पुराने रखे हुए थे, स्टाइल्स हैव अगेन कम बैक लाइक लेपर्ड प्रिंट एंड ऑल, पहले बीच में एनिमल प्रिंट हैड बिकम लाइक अ नू, अभी वापस से इट हैज स्टार्टेड कमिंग बैक, तो ये फिर से ओवरसाइज कपड़ों का जब भी
टाइम आएगा। ये तो एक्चुअली लग रहा है कि वो जो नर्स होते हैं ना, छोटे कपड़े पहन के और उसके ऊपर एक डॉक्टर का कोट लटका लिया, ये वो ही लग रहा है अभी मुझे। और इसको मैं लगा लूँ तो लोग बोलेंगे, जैसे बोलते ना, अरे पैंट पहनना भूल गई। नहीं लग रहा मैं पैंट पहनना भूल गई। स्टार्टिंग में मैं जब गुरु को मिली थी, वो भी मुझे बोलता था, मैं बहुत छोटे कपड़े को वह लंबा टी शर्ट, भैया तुम पैंट पहनना भूल गई क्या? मैं क्या भूलूंगी, क्यों अंदर पहना है। आई थिंक इट हैपेंस टू एवरीबडी ना, हमेशा कोई लड़के ने ऐसे ऊटपटांग कॉमेंट किया होगा, आपको किया है और आपने हैंडल कैसे किया है, लिख के भेजिए। एनीवेज, सो लियाना दिबिशा गए हैं बर्थडे पार्टी में, मैं एक बार पता कर लेती हूँ हवा दे और जल्दी से बुला लेती हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि बहुत लंबे टाइम तक वो लोग खेलने में मशगूल हो जाए और फिर आफ्टरनून का जो नैप है वो स्किप हो जाए। मैं उन लोगों को क्विकली बुला लेती हूँ, मेकअप निकालती हूँ, पर इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे फिनिश करती हूँ। टाटा बाय बाय, सी यू इम्प्रॉम्प्टू। ये कैसा लगा मेरा फोटोशूट, प्लीज़ ज़रूर लिख के भेजिए। अभी आराम से सब कुछ निकाल और ये सब भी हटा दे, क्योंकि हमारा पैकअप हो गया है एंड हमारा इम्प्रॉम्प्टू फोटोशूट तो बहुत ही सुबह सुबह हुआ था और मुझे अभी इतनी नींद आ रही है, बट यस हो गया है एंड इट वेंट रियली वेल। एंड मैं बस यू नो समटाइम्स आई लाइक आई एम हियर विद दिवीना ऑलमोस्ट एवरी डे आई मीट हर एंड मैं कब से नोटिस कर रही हूँ दैट हाउ डज शी डू दिस यू नो लाइक माइक्रो मैनेजमेंट एंड बिग मैनेजमेंट एंड यू नो एवरीथिंग लुक्स वेरी ईजी कि हमने फोटोशूट भी कर लिया, वो बीच बीच में बेबीज को खाना भी खिला रही है, सुला रही भी है, उनके साथ खेल भी रही है, उनको फुल अटेंशन भी दे रही है और फिर ब्रांड शूट भी कर रही है, हमसे भी चिल कर रही है, सब कुछ कर रही है, वो पता नहीं कैसे कर लेती है, बट आई नो दैट इट लुक्स ईजी बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, बट शी मेक्स इट लुक सो ईजी। तो ये तो मुझे ये ईजी डिफिकल्ट वाला टास्क उनका बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, बट रबीना गुड जॉब, आप हो नहीं तो आप व्लॉग में देख लेना, ये मैंने बस बोल दिया आपके लिए। ओके बाय।